या हाय दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा कि मैं जब IBM मैंने जब काम किया तो मुझे कब कब कितना कितना हाइक मिला। यस, मीन किस टाइम में मेरी सैलरी क्या थी, मेरी टेक होम सैलरी क्या थी और मुझे इंक्रीमेंट IBM में कब मिला, तो वो सब मैं आज रिवील करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले मैं फ्रेशर से स्टार्ट करता हूँ कि अगर आप कोई फ्रेशर्स होते हैं और IBM में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी ये तीन में से किसी एक सैलरी आपको मिलती है, इधर 3.1 से 3.25 या 4.25 या 7, मैंने कि फॉर डिफरेंट बोल सकते हैं कि फॉर डिफरेंट डिवीज़न IBM की सैलरी डिफरेंट होती है। तो मैं अगर ये दो का पहला एग्जांपल लूँ तो फ्रेशर्स का ट्रेनिंग के टाइम में आपका जो IBM स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है फर्स्ट 2 से 3 मंथ तक, वो 18 से 25 के वैरी करता है। जैसा मैंने आपको आगे बोला कि जिस तरह से सैलरी है, तो मैं खुद का भी बताऊंगा। तो पहले मैं थोड़ा फ्रेशर से स्टार्ट करता हूँ। इसका इसका फुल डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसको अगर देखना है तो आप आई लिंक पे जा सकते हैं। तो ये तीन में से कोई एक आपको सैलरी आपका एज अ फ्रेशर्स मिलेगी। अगेन ये डिपेंड करेगा आपका पूरा पूरी किस ब्रांड और किस सैलरी से आपको लिया गया था। तो सेकेंड थिंग, अगर आप एज अ फ्रेशर्स आप ज्वाइन करते हैं और अगर आपको ये CTC प्रोवाइड होती है 4.25 का, तो आपकी टेक होम सैलरी होगी 30,740 पर मंथ। तो इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसे अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। तो फॉर फ्रेशर जिसकी सैलरी 4.25 है, उन्हें ये टेक होम सैलरी होगी, और जिन फ्रेशर्स की सैलरी 7 LPA होगी तो उनकी टेक होम सैलरी होगी ये। तो चलिए, ये तो हुआ दूसरे का। अब मेरे केस में मैं बताता हूँ कि मैं IBM में किस तरह का ज्वाइन किया और मेरी पहली सैलरी क्या थी। तो जैसा आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मैं पहले शुरुआत में मैं बड़ी ही छोटी कंपनी से ज्वाइन किया था, जहाँ मेरी मंथली सैलरी जस्ट 6,000 थी। क्या तो आफ्टर 2-3 ईयर्स, 2.5 ईयर्स वर्किंग ऑन डिफरेंट कंपनी, मुझे IBM में ज्वाइनिंग मिला और IBM ने मुझे ये सैलरी ऑफर किया एंड आई एक्सेप्टेड। तो जब मैंने IBM का मुझे जब सैलरी मिला, तो सैलरी इसमें ऑफर लेटर में ये डिटेल्स था। ओके, क्या कि मेरी बेसिक थी ये 20,200, सॉरी 2 लैक्स 2,703 FBP थी ये। रिटायरल्स वो टोटली आपकी बेसिक पे डिपेंड करती है। प्रोविडेंट फंड जो कि 12% होता है आपका बेसिक का, तो 22,02,000 का 12% ये 24,324 होता है। और ग्रेच्युटी 4.8% होता है बेसिक, अगेन बेसिक का। तो इसमें मेरी भी कंट्रीब्यूशन जाती थी PF में, जो कि 12% होता है अगेन बेसिक का। वो सारी जाने के बाद जब मेरा सैलरी 4,80,000 था, तो मेरा मंथली टेक होम सैलरी था ये एग्जैक्ट, ये मुझे हर मंथ मिलता था 34,570। वो सब पुराना, उस समय पुरानी ही लॉ चलती थी टैक्स का, तो उस हिसाब से। अब रेजिम चेंज है, न्यू रेजिम में ये जीरो टैक्सेबल होगा, तो ये मनी थोड़ा वैरी कर सकता है। सो 9 मंथ के बाद मैं जनवरी में ज्वाइन किया था, तो आपको पता है कि IBM सितंबर में हाइक देता है, तो मुझे हाइक दिया था और मेरी न्यू सैलरी हो गई थी ये। तो आफ्टर 9 मंथ वर्किंग इन IBM मेरी नया सैलरी हो गई थी 5,45,000। तो इस समय मेरा मेरे अकाउंट में ये मनी ढुकती थी 40,370। तो मुझे पहले ही मंथ में, एक्चुअली पहले ही ईयर में, 9 मंथ के अंदर मुझे पहला इंक्रीमेंट मिला था, जो कि 12 से 15% था, जो जिससे मेरी सैलरी 4.8 से 5.45 हो गई थी।
और मेरी इन हैंड 35,000 से 40,000 हो गया। अगेन आफ्टर 1 ईयर, मीन उस 7-8 महीने के बाद, आफ्टर 1 ईयर मुझे एक और प्रमोशन, बैंक प्रमोशन मिला, जिसके बाद मेरी सैलरी हो गई 7.15। सिंस मैंने पहले ही बताया था कि मैं लो बैंड में ज्वाइन किया था, सैलरी भी लो था, तो इसके कारण मुझे हर ईयर ठीक ठाक ही हाइक मिल रही थी। तो इसके बाद मुझे 25 से 28%, 26-28% हाइक मिला। टैक्स वैक्स देने के बाद मुझे 50,000। तो मुझे पहला 9 मंथ में 12 या 14 या 15% हाइक मिला। 12% सॉरी, 14 14, एग्जैक्ट 14% हाइक मिला। और मुझे फिर 1 साल के बाद, मैंने 13 महीने में, जब 13 मैंने कि जब 1 साल और गया, तो मुझे फिर से हाइक मिला अराउंड 28%। तो मेरे पहले 2 साल के अंदर, 23 मंथ के अंदर, मुझे अराउंड 43% का हाइक मिला। ओके तो उसके बाद मेरी सैलरी हो गई ये। देखिए, तो अगर आपकी भी, अगर इसके आसपास अगर सैलरी है, तो आपको ये मिलेगी। अगेन मार्च में ये हाइक हुआ था, तो मार्च के बाद फिर अगेन सितंबर में फिर से मैं हाइक के लिए एलिजिबल था, तो फिर मुझे हाइक मिला और मेरी सैलरी हो गई ये 58,000, 7.58 हो गया। ओके, ये शायद मेरा 52 था, सॉरी, ये 52 था। ओके, तो उसके बाद मुझे फिर मैंने कि गली जो हाइक होती है IBM की, वो साइकिल में मुझे फिर से हाइक मिला। तो मेरी इन हैंड सैलरी हो गई ये, फिर 1 साल बाद फिर हाइक मिला, तो मेरी इन हैंड सैलरी हो गई 64। तो जब मैं IBM लीव कर रहा था, उसके बाद से 2 साल तक IBM ने कोई हाइक नहीं दिया, कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया, तो लास्ट मेरी इंक्रीमेंट ये थी। तो मैंने अपने अपने तरफ से मैंने क्लियरली बता दिया कि मेरी जब मेरे कितनी सैलरी थी, तो कितना मेरा इन हैंड आता था। तो आई होप इससे आप लोगों को भी एक ये मिल गया होगा कि अच्छा, आपकी भी अगर IBM में इतनी सैलरी होगी, तो आपकी इन हैंड क्या होगी। जैसे मैं फिर से बोल देता हूँ, जब मेरी 4.8 LPA थी, तो मुझे 34,500 मिलता था। उसके बाद जब मेरा 5.45 हुआ, तो 40,370, 7.15 में 52,543, 7.58 जब हुआ, तो 58,563, एंड नाउ लास्ट निकलते निकलते जब 8.4 हुआ, तो 64,000। ये मेरी इनहैंड सैलरी थी IBM में। आई होप मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, जैसा मैं बोलता हूँ, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दें। सो आई होप आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि किस किस टाइम में क्या सैलरी थी। नाउ आप लोगों को मैं एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कैलकुलेट कैसे करें। मीन आप लोग हमेशा ये चीज़ मुझसे पूछते हैं कि अरे मेरी सैलरी ये है, तो मैं इसे कैलकुलेट कैसे करूं। तो IBM का कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो मैंने इस एक कैलकुलेटर टाइप बनाया है, जिससे आप लोग आसानी से अपना इन हैंड सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन योर टैक्स। तो देखते हैं, इसी वीडियो में मैं बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी में ही कंप्लीट कर दूंगा, बिकॉज़ नेक्स्ट वीडियो बनाने से बेकार हो जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस कि आप अपना टेक होम सैलरी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप IBM में हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसे मैंने पहले बताया कि IBM में ये तीन चार ही कंपोनेंट होता है, एक्चुअली तीन आपकी ऑफर लेटर में दिखाते हैं। एक है बेसिक, दूसरा है फ्लेक्सी बेनिफिट प्लान, तीसरा है रिटायरल्स। रिटायरल्स के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं, PF कंपनी के कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी। और ये देते नहीं है कहीं पे, पर ये PF कंट्रीब्यूशन आपका, जो अगेन 12% होता है बेसिक का। तो अगर आप कभी भी कैलकुलेट करना चाहें टेक होम सैलरी आपकी क्या होगी, तो ये फंडा, ये पेज आप ध्यान में रख लें। ये आपका बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है IBM का किस तरह से होगी। देखिए, IBM का जो बेसिक सैलरी है, उसे आप प्लस करें FBP से, फ्लेक्सी बेनिफिट प्लान। ओके, देन 12% जो आपके बेसिक था, वो आप माइनस कर दें। अब जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है, वो माइनस करें,
माइनस प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 200 माइनस करें पर मंथ और उसे डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा 2400। तो सिंस मैं इसे ईयरली कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसे आप डिवाइड कर दें, यू विल गेट योर टेक होम सैलरी। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ विथ 1 लाख। ओके, तो किस तरह से कैलकुलेट करें। सपोज आपकी सैलरी है CTC है 1 लाख की, तो जनरली आदमी सोचता है कि CTC डिवाइड बाई 12 ये हो गया टेक होम सैलरी, पर ये नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो देखते हैं, तो अगर आपके CTC 1 लाख है तो IBM में जनरली 42% 40% ऑफ CTC वो आपका एज अ बेसिक देते हैं। तो 1 लाख का 42% आपका बेसिक चला गया, मीन 42,000 आपका बेसिक हो गया। तो अगर आपके 10 लाख है तो 4.5 लाख होगा, 20 लाख है तो 8,40,000 होगा, और रेस्ट ऑफ द CTC आपका FBP और रिटायरल्स में जाता है। तो मैं FBP कैलकुलेट कैसे होता है, FBP इज 120% ऑफ द बेसिक। तो अगर आपका बेसिक 42,000 है तो 42,000 का 120% डेट इज़ 50,000 आपका FBP हो जाएगा। मैं हर जगह FBP लिख दिया हूँ, सॉरी इग्नोर करें, FBP हो जाएगा। नो, ये हो गया, और ये जो 7,600 है ये आपका रिटायरल्स होगा अगर आपका 1 लाख अगर आपका CTC है तो। और इसके बाद एक और चीज़ करें कि खुद का भी कंट्रीब्यूशन निकाल लें, डेट इज़ 12% ऑफ बेसिक। तो 12% ऑफ बेसिक ये खुद का आपके कंट्रीब्यूशन होगा जो 5,400 होगा। इसका लिमिट देख लें कि कितना आप लिमिट डाल सकते हैं। तो आपका CTC से आपको बेसिक पता चल गया जो कि 42% ऑफ CTC होता है, अगर आपका 1 लाख है तो 42,000, और रेस्ट आपका जो अमाउंट है 58,000 वो आपका रेस्ट, उसमें आपका FBP और रिटायरल्स आता है। तो FBP क्या होगा, FBP होगा 120% ऑफ बेसिक। तो जो भी आपका बेसिक था उसका 120%, तो अगर इस केस में 42,000 बेसिक था तो उसका 120% 50,400 होगा, और ये 7,600 आपका PF रिटायरल्स में चला गया। उसके बाद एक और कंपोनेंट लें जिसको आपका खुद का कंट्रीब्यूशन करें, वो आपका 12% ऑफ अगेन बेसिक होता है, तो 5,040। ओके, तो आपका अब जब टेक होम सैलरी होगा वो आपका बेस सैलरी प्लस FBP। नाउ PF कंट्रीब्यूशन तो आपका डायरेक्टली आपका अकाउंट में चला गया, PF अकाउंट में चला गया, तो वो ऐड नहीं करेंगे, माइनस आपके आप जो खुद की तरफ से जो PF का कंट्रीब्यूशन करेंगे वो, माइनस प्रोफेशनल टैक्स एंड माइनस टैक्स जो आपका एलिजिबल हो। ओके, जो टैक्स आपका एलिजिबल हो टैक्स रिजीम में जिस आप में जाए, तो वो माइनस करके डिवाइड बाय 12। तो मेरी इस केस में मैं टैक्स अगर जीरो धरता हूँ तो इस केस में 84,960 होगा, उसे डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 7,080 होगा। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि हाउ आप किस तरह से आप आई अगर आप IBM में हैं आप किस तरह से आप टैक्स या आपका इन हैंड सैलरी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने इससे तो सिंपल रखा है, एंड आई होप आप लोगों को भी अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम टेक होम सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कि ये क्वेश्चन मेरे मुझको बार बार पूछा जाता है कि अरे मेरी सैलरी इतनी है तो मैं मेरी टेक होम सैलरी क्या होगी। तो आई होप इस वीडियो से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आपकी टेक होम सैलरी होगी अगर आपके क्या CTC होगा। तो बहुत बड़ा लेंदी हो गया 14-15 मिनट का, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।